के 22 अक्टूबर को गरियाबंद जिले के किडनी की रहस्यमय बीमारी से पीड़ित गांव सूबे बड़ा जाएंगी। दौरे से पहले आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर और रायपुर मेडिकल कॉलेज ने सुपेबेड़ा में शिविर लगाया है, जिसमें मरीजों की जांच और इलाज किए गए। लेकिन 3 घंटे के शिविर में केवल 25 लोग ही जांच के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले के किडनी प्रभावित सुपेबेड़ा गांव में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लाख कोशिशों के बाद भी मौत का तांडव जारी है, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान सरकार अब तक नहीं निकल पाई है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 71 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन स्थानीयों की माने तो 111 लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 200 और नए मरीज सामने आ गए हैं, जो एक बड़ा सवाल है। जब आते हैं पूरा खींच खींच के ब्लड लेते हैं, उसका कोई सैंपल नहीं, कोई तुम्हारा क्या बीमार है कुछ नहीं है। 4 बार 5 बार मैं पेशेंट हूँ, मैं 4 बार ब्लड दिया लेकिन 1 बार भी नहीं आया। बाहर में जाकर अपना ब्लड सैंपल कराया और मेरा किडनी पेड़ था, वहां से मैं मेडिसिन खाया, अभी ठीक हूँ मैं। फिलहाल आज भी गया तो कमर दर्द हो रहा है, से वही टेबलेट दिया, कोई चेकअप वेकअप नहीं। हमारे गांव में जो पानी का जो समस्या बोल रहे हैं, जो टीम लोग आते हैं माने पीएचई विभाग वाले, तो हम तो कई 2 साल हो गया मांग कर रहे हैं कि हमको तेल नदी का पानी जो माने फिल्टर पानी दिया जाए। अभी तक सरकार जो है वो स्वीकृति हो गया है कह रही है, लेकिन अभी तक ना कुछ काम चालू हुआ है ना कुछ हुआ है। कितने पेशेंट्स हैं, तो ये एक हेल्थ का एक चेकअप कैंप शिविर, जिसमें खाली रीनल डिजीजेस ही नहीं, बाकी भी और क्या हेल्थ की समस्याएं हैं, ये हम समझने के लिए हमारी टीम आई है। हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ प्रॉब्लम है, किडनी डिजीजेस का या और कोई बीमारियाँ हैं, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय रखते हुए यहाँ के मरीजों को जो भी फैसिलिटी हम लोग बेस्ट पॉसिबल उपलब्ध कर सकते हैं। 25 मरीज यहाँ पर आए, जिसमें से लगभग 5 मरीज जो है वो किडनी के पेशेंट, जिनका सीरम क्रिएटिनिन और यूरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और बाकी हमने गांव में भी जो जाकर के कुछ कम्युनिटी के लोगों से मिले, तो कुछ बेड रिडन पेशेंट्स हैं जिनके पास दूसरे तरह की मॉर्बिडिटीज हैं, मतलब जैसे लंग कैंसर है, या किसी को माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है, किसी को अभी फीवर है और वो एक्यूट फीवर में है, तो इस तरह के भी लोग हैं जिन लोगों को इलाज की जरूरत है। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 दिन